जय हिंद फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, सचिव महोदय का नया आदेश आ गया है जिसमें अंतः जनपदीय स्थानांतरण या समायोजन की डिटेल्स दी गई है। और इसमें देखिए, जो लेटेस्ट कोर्ट के अपडेट आई है, जो कोर्ट के आदेश आए हैं, उसके अंतर्गत कुछ बदलाव किए गए हैं और समय जो पीरियड है इसका, समायोजन की प्रक्रिया का, उसको बढ़ाया गया है। तो हम इसके बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम प्रक्रिया में जाएंगे कि कैसे कैसे क्या होना है, क्या कनिष्ठ का होना है, वरिष्ठ का होना है, पूरी जानकारी हम लोग देखेंगे। दोस्तों, मैं बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कराता हूं। तो कक्षा 5 के लेवल के जो परीक्षाएं होती हैं, नवोदय विद्यालय, विद्या ज्ञान, अटल आवासीय विद्यालय, उत्तर प्रदेश राज्य के बच्चों के लिए उसके सॉल्व पेपर्स पड़े हुए हैं। और क्लास 8 के लिए जो बच्चों की NMMS परीक्षा होती है, राष्ट्रीय आयाम योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा, चाहे नवोदय हो, चाहे अटल आवासीय हो, या जयप्रकाश नारायण सहोदय विद्यालय, पूरी डिटेल दोस्तों मेरे चैनल पर आपको मिलते रहेगी। तो आप बच्चों को इसका लाभ दे सकते हैं। यहाँ देखिए, जो 13 अगस्त से और 14 अगस्त के बीच में होना है, अधिक अध्यापक वाले विद्यालयों एवं अध्यापकों की आवश्यकता वाले विद्यालयों को चिन्हांकन तथा अधिक अध्यापक वाले संख्या वाले चिन्हित विद्यालयों में मानक से अधिक शिक्षक एवं शिक्षिका को उनकी जनपद में सेवा अवधि के आधार पर क्रमानुसार यानी कि कनिष्ठ शिक्षक एवं शिक्षिका चिन्हित किया जाना तथा अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय में शिक्षक एवं शिक्षिका की आवश्यकता की गणना किया जाना, ये 13 से 14 अगस्त के बीच में होगा। तो ये क्लियर हो गया कि कनिष्ठ का होना है। इसमें देखिए, आवश्यकता वाले विद्यालयों की सूची तथा सरप्लस शिक्षकों की सूची जिला विद्यालय शिक्षा अधिकारी के लॉगिन पर प्रदर्शित किया जाएगा। तो हमें साइट पता है, तो उसमें जो लॉगिन है बेसिक शिक्षा अधिकारी का, तो वहाँ पर दिखेगा आपको 16 अगस्त से 17 अगस्त के बीच में, ठीक है। इसके बाद है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अंतिम रूप से लॉक किए गए डाटा को कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चपसा किया जाएगा 20 तारीख से 21 तारीख के बीच में, ठीक है। तो वो किया जाएगा, यही सरप्लस शिक्षक शिक्षिका हैं, अगर कोई आपत्ति हो तो प्रस्तुत किया जाना, ये होगा आपका 22 तारीख को, ठीक है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समिति के माध्यम से आपत्ति का निस्तारण किया जाना, ये 23 और 24 अगस्त को होगा। समिति द्वारा आपत्तियों के निस्तारण के उपरांत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मानव संपदा पोर्टल पर विवरण या डाटा अपडेट किया जाना, ये 26 और 27 अगस्त के बीच में होगा। जो अद्यतन डाटा है मानव संपदा टीम द्वारा परिषद के माध्यम से NIC को उपलब्ध किया जाना, ये 28 और 29 अगस्त को होगा, ठीक है। फिर 7वां पॉइंट है, आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालयों में चिन्हित अध्यापकों से स्वेच्छा से अधिकतम 25 आवश्यकता वाले विद्यालयों का विकल्प ऑनलाइन प्राप्त किया जाना, ये जो आपको विकल्प भरना होगा वो 23 अगस्त से 2 सितंबर के बीच में भरना होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सत्यापित किया जाना, ये 3 सितंबर को होगा। फिर जो NIC की वेबसाइट है, लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालयों में चिन्हित अध्यापकों से प्राप्त विकल्प के आधार पर समायोजन की सूची जारी किया जाना, ये 4 और 7 सितंबर के बीच में होगा। फिर बाकी प्रक्रिया ऐसे ही चलेगी। जो आखिरी है वो यहाँ है कि NIC केंद्र द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शासनादेश दिनांक 26/6/24 अनुपालन में शेष बचे सरप्लस शिक्षकों को समायोजन की सूची जारी किया जाना, ये आपका 11/9 तक पूरी प्रक्रिया आपकी हो रही है। और ये देखिए, साफ साफ है कि जो कार्य मुक्त है या कार्य भार ग्रहण करने का है, ये आपका उक्त प्रक्रिया के अंतर्गत समायोजित शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को समायोजन की कार्रवाई के उपरांत अवकाश दिवस में कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराने की कार्रवाई की जाएगी, मतलब अवकाश वाले दिन। और समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त कार्रवाई में किसी भी दशा में छात्रों की शैक्षिक हित प्रभावित ना हो, मतलब उस दिन छुट्टी रहनी चाहिए। तो ये देखिए डिटेल थी जो कि जारी की गई है सुरेंद्र कुमार तिवारी सर द्वारा, जो कि सचिव हैं हमारे उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग शिक्षा परिषद प्रयागराज के। तो ये डिटेल दोस्तों थी। थैंक यू वेरी मच।